नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ललितपुर में बीते 4 वर्षों से मायके में अपनी पुत्री को लेकर निवास कर रही महिला ने सोमवार को कचहरी परिसर में ससुर के साथ जूते से मारपीट कर दी। इस घटना को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल मामला थाना नाराहट के ग्राम गुड़ा खीरिया का है। यहाँ रहने वाली रोशनी पत्नी पुष्पेंद्र कुर्मी ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसकी शादी 4 साल पहले ग्राम कलोथरा निवासी पुष्पेंद्र पुत्र चंद्रभान कुर्मी से हुई थी। रोशनी ने बताया कि दहेज, घरेलू हिंसा और भरण पोषण का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ससुरालियों के कहने पर मामला वापस लेने को तैयार है, लेकिन ससुराली उसे वापस ले जाने को तैयार नहीं है। ये भी बताया कि 4 साल से लगातार ससुरालियों ने गुमराह किया है। सोमवार को जब दोनों पक्ष न्यायालय में तारीख के चलते पेशी पर आए थे, यहां बहू रोशनी और ससुर चंद्रभान में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते रोशनी ने अपने ससुर की गिरेबान पकड़कर जूतियां उतारकर जोरदार मारपीट कर दी। करीब आधे घंटे चले इस घटनाक्रम को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दोनों तरफ काफी ट्रैफिक जाम हो गया। हालांकि कचहरी परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं ने किसी प्रकार महिला की गिरफ्त से ससुर को छुड़वाया।